हमारे आज के खास मेहमान असम के महामहिम राज्यपाल गुलाब चंद जी कटारिया साहब, माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल साहब, प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ साहब और माननीय सदस्यगण, तो आप सब ने देख लिया रिटर्न गिफ्ट। मोहनलाल जी सुखाड़िया से लेकर भैरव सिंह जी शेखावत होते हुए अशोक गहलोत जी तक हमारी यही खूबसूरत परंपरा है। मैं पहली बार जब इस सदन में चुनकर के आया अशोक गहलोत साहब के आशीर्वाद से 98 में, तब 5-5 पूर्व मुख्यमंत्री सदन के सदस्य थे। भैरव सिंह जी, शिवचरण जी माथुर, पहाड़िया जी, देवपुरा जी, नवल किशोर जी शर्मा, परसराम मदेना जैसे दिग्गज थे। लेकिन मेरे लिए एक स्कूल की तरह था और मैं एक विद्यार्थी। पर जब भी उस वक्त सदन में किसी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, बढ़िया भाषण दिया, तो भैरव सिंह जी शेखावत वो व्यक्ति होते थे जो आकर के कहते थे, चल पैसे निकाल, सबको लड्डू खिला, 200 रुपये निकाल। और नए लोगों को अवसर देना, अगर वो सब लोग, इतने वरिष्ठ लोग इस सदन में नहीं होते तो हम नहीं सीख पाते। मैं पहली बार का MLA था, परशुराम जी मदेना अध्यक्ष थे, प्रश्नकाल में रोज पूरक प्रश्न पूछने के लिए मुझे अलाउ करना। उसका नतीजा क्या हुआ कि मैं 10 बजे विधानसभा आता और सारे प्रश्न देखता कि सारे प्रश्नों के क्या उत्तर आए हुए, और उसमें से ढूंढता कि कौन सा पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से उन लोगों ने हम लोगों की ट्रेनिंग की। और 2003 से 8 की सरकार में जब बीजेपी की सरकार थी, तो स्थगन प्रस्ताव वो माध्यम था जिससे सरकार से जवाब मिलते थे और जवाबदेही सरकार की तय होती थी। आज अगर राष्ट्रीय परिदृश्य हम देखें तो राजस्थान बहुत ही बेहतर स्थिति में खड़ा है विधानसभा के लिहाज से। हमारे माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने कई नवाचार किए। जितने प्रश्न इस 15वीं विधानसभा में उत्तरित हुए उतने कभी नहीं हुए। जितने स्थगन प्रस्ताव इस सदन में लगे उतने कभी नहीं लगे। जितने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस विधानसभा में लगे कभी नहीं लगे। और सबसे बेहतरीन बात, सत्ता पक्ष से भी ज्यादा उन्होंने विपक्ष को समय दिया और विपक्ष को बोलने का पूरा मौका दिया। कोई ऐसी बात जो विपक्ष के सदस्य उठाना चाहते हो, उन्होंने कभी वो अवसर आने नहीं दिया कि वो नहीं पूछ पाए। आज का हमारा चर्चा का विषय है प्रभावी एवं सार्थक लोकतंत्र को बढ़ावा देने में विधानमंडल की भूमिका। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे माननीय अध्यक्ष हमारे प्रश्नों को लेकर, आश्वासनों को लेकर के सरकार के अधिकारियों की बैठक बुलाते हैं, एक जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें कमजोरी है। खुद कटारिया साहब मेरे हमारे PSC के अध्यक्ष थे, उत्तरों को लेकर के, कार्रवाई को लेकर के जो जवाबदेही में कमी थी, आपने भी अनेक बार अधिकारियों को बुला करके उसके लिए प्रयास किए। तो आज इस मौके पर मैं ये विनती करना चाहूँगा कि सदन के प्रति जवाबदेही में कमजोरी दिख रही है और इस कमजोरी को दूर किया जाना चाहिए। सदन में जो मुद्दे उठते हैं, मंत्री कहते हैं कि हम जांच कराएंगे, मंत्री कहते हैं कि हम कार्रवाई कराएंगे, लेकिन बाद में सेक्रेटरी की जो ड्यूटी होती है उसका वो निष्पादन नहीं करते। सेक्रेटरी की प्राइमरी ड्यूटी है कि हाउस के अंदर जो मिनिस्टर ने कह दिया उसका फॉलोअप होना चाहिए, लेकिन उसमें हम कमी देख रहे हैं, वो ठीक की जानी चाहिए। अब मैं निवेदन करूंगा कि विगत दिनों में कई सम्मेलन राजधानी में हुए, राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्ष, संविधान की शपथ लिए हुए मंत्री जब उन सम्मेलनों में जाकर के जाति की बात करते हैं, जाति को बढ़ावा देने की बात करते हैं, या यहां तक कहते हैं कि जात पार्टी से भी बढ़कर हमारे लिए जाति है, तो ये लोकतंत्र को कमजोर करने वाली बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे विनती करना चाहूंगा कि राजनीतिक पार्टियों को अपने लोगों पर इस पर कठोरता से नियंत्रण करना चाहिए। हमारा लक्ष्य जाति विहीन समाज की स्थापना है और इस तरीके से संविधान की शपथ लिए हुए लोग इस तरीके की बात करते हैं तो उससे प्रजातंत्र कमजोर होगा। और आज इस मौके पर
कटारिया साहब ने समय दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया और आप सब ने समय दिया। मैं सीपीए की ओर से आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।